देखिए, राहुल गांधी जी का जादू इधर नहीं चलने वाला बिल्कुल ही। लोकसभा का गत चुनाव था, उसमें पूरी तरीके से राजस्थान में कांग्रेस का चोपड़ा साफ हो गया था और भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस की राह पे चल पड़ी है। राजस्थान का किसान कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से तंग आ चुका है। इतना खौफ था राजस्थान की पुलिस के अंदर कि राहुल गांधी जी का कोई विरोध नहीं करते। राहुल गांधी जो है आपके निर्वाचन क्षेत्र में भी अभी भाषण खत्म हुआ ही है जस्ट, क्या उनके इश्यूज हैं और क्या? देखिए, राहुल गांधी जी का जादू इधर नहीं चलने वाला बिल्कुल ही, क्योंकि कांग्रेस जो लोकसभा का गत चुनाव था उसमें पूरी तरीके से राजस्थान में कांग्रेस का चोपड़ा साफ हो गया था और भारतीय जनता पार्टी भी RLP के गठबंधन से 25 सीटें प्राप्त कर पाई थी। और देश का किसान इस बात को जान गया कि 60 साल कांग्रेस ने राज किया, किसानों की सुध नहीं ली और भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस की राह पे चल पड़ी है। किसान आंदोलित है देश का और कांग्रेस को पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलेगा। ये पूरे प्रदेश के मंत्रियों की, विधायकों की, सांसदों की ड्यूटी लगाई और हर तरह इतना खौफ था राजस्थान की पुलिस के अंदर कि राहुल गांधी जी का कोई विरोध नहीं करते। किस तरह मतलब एक आदमी की ड्यूटी लगाई, जब इतने आप डर के पब्लिक के बीच जाओगे तो मुझे लगता है कि पब्लिक आपको मानेगी। और ये बाहर से लाके और मकराना शहर के अंदर जो भीड़ की गई है, मुझे नहीं लगता कि इसको आप कोई किसान रैली कहोगे। किसानों के 3 बिलों की वापसी और संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट और समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के कानून को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में हमेशा आंदोलन कर रही है। अभी भी हम बॉर्डर पर बैठे हैं, मैंने सत्ता को ठोकर वहाँ भी मारी। मेरे 3 विधायक राजस्थान में संपूर्ण कर्ज माफी, जो राहुल गांधी 2018 के अंदर कह के गए थे कि अगर सत्ता में आए तो संपूर्ण किसानों का कर्जा माफ हम कर देंगे, वो राजस्थान का किसान और जवान उनसे हिसाब भी मांग रहा है। और अब बड़ी रैलियाँ राजस्थान के अंदर हम शुरू करने जा रहे हैं, जिनका जल्दी हम तारीख की घोषणा करेंगे। तब आपको लगेगा कि राजस्थान का किसान किस दिशा की ओर जा रहा है। राजस्थान का किसान कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से तंग आ चुका है। नई व्यवस्था राजस्थान का किसान और जवान राजस्थान में देखना चाहता है। तो ये 2 दिन के दौरे के क्या मायने रहे? कुछ मायने नहीं। यहाँ जिन जिन जिलों में दौरे थे वहाँ कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा कहीं भी। किसान आंदोलन से हनुमान बेनीवाल की पार्टी क्या मान रही है, किसान आंदोलन से और उधर होगा? देखिए, मेरी बात सुनो, हमने तो पार्टी जवानों और किसानों के लिए बनाई। अभी पार्टी को बने 2 साल हुए हैं, नगर पालिकाओं में चुनाव लड़ाए, पंचायत चुनाव लड़ाए, मजबूत तरीके से पार्टी और नौजवान और किसानों के मुद्दों को लेकर, चाहे स्टेट के अंदर स्टेट के इश्यू हो और चाहे दिल्ली के इश्यू हो, जब भी किसान जवानों को आवश्यकता पड़ी तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हमेशा आगे रही और मजबूती से हम सड़क पर भी बैठे हैं। देश का पहला सांसद हूँ जो शायद 70 किलोमीटर ट्रैक्टर चला के ले गया, सड़क पर बैठा हूँ। लोकसभा आज स्थगित हुई है तो आज आया हूँ, इलाके में जा रहा हूँ और फिर से कल किसान आंदोलन की आगे की रणनीति तय करेंगे। और अब की बार जो बड़ी महापंचायत होगी वो राजस्थान में ऐसी बड़ी महापंचायत होगी जो शायद देश के अंदर जितनी भी बड़ी महापंचायत हैं उनमें सबसे बड़ी पंचायत महापंचायत और रैली राजस्थान से हम बड़ी शुरुआत करेंगे। देखिए, आरोप तो लगाने वाले लगाते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के गले कि अड्डी बन गया किसान आंदोलन। बीजेपी के बड़े बड़े नेता और मंत्री सेंट्रल हॉल के अंदर बात करते रहते हैं, गलत हो गया मामला, इनसे फ़ायदा भी नहीं होने वाला, बेवजह किसानों को छेड़ लिया। ये सब वही लोग हैं जो मोदी जी की 120 सीट दिलाने में इन 5-6 स्टेट की भूमिका थी। और वो 5-6 स्टेट है जिन्होंने राजीव गांधी को भी घर का रास्ता दिखाया था। ये दिल्ली से आंदोलन चल रहा था, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, और ये वो लोग हैं आंदोलन करने वाले जो 1000 साल से लड़ रहे हैं। ये थकने वाले नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी को थका देंगे। मोदी जी के भाषण के अंदर साफ साफ कमजोरी झलक रही थी। भाषण आपने देखा होगा, मज़ेदार भाषण नहीं रहा जब जवाब दे रहे थे लोकसभा के अंदर। किसान आंदोलन से देश की सरकार डरी हुई है और जीत किसानों की होगी।